इधर पटना राजधानी में चार दिनों से लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पटना के गंगा घाटों पर जलस्तर में लगातार इजाफा होने से स्थानीय युवा गंगा के बढ़ते जलस्तर में मौत का स्टंट करते नजर आ रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी धीरेन्द्र। राजधानी में चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है, गंगा में भी लगातार जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। इस वक्त मौजूद हैं राजधानी पटना के कृष्णा घाट पर, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ये जो गुंबद है, इस गुंबद में लोग बैठते थे, शाम में इंजॉय करते थे, यहां पर चिल होने के लिए आते थे, लेकिन अब जो ये गुंबद है वो गंगा के जल से डूब गया है। देखिए किस तरीके से जो गुंबद है जहाँ पर लोग बैठते थे वो डूबा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि गंगा का जल स्तर जो है कितना बढ़ा है। देखिए दूसरे तरफ जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गंगा में स्नान कर रहे हैं, खतरों से खेल रहे हैं, यूँ कहे तो ये खतरा भरा स्टंट कर रहे हैं। देखिए ऐसे में कई ऐसे हादसे भी हो जाते हैं, बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्थानीय बच्चे हैं और लगातार जो है ये गंगा में खतरों भरा स्टंट कर रहे हैं। कई ऐसे जो घटनाएं सामने आती हैं कि उस घटना में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है खतरों का सामना करना पड़ता है और मौतें भी हो जाती है। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी जो है गंगा में जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और खतरा का निशान छूने ही वाला है। अब दूसरे तरफ की बात की जाए तो देखिए दूसरे तरफ जो है छोटे छोटे बच्चे स्टंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो सुरक्षा की बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी, बैरिकेडिंग जो की जाती थी बालू भरे बोरे के साथ, वो अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालाँकि अभी तक जो है प्रशासन इसकी तैयारी नहीं की है कि किस तरीके से जो है गंगा का जो बैरिकेडिंग होता था वो कर दिया जाता था, लेकिन अभी पटना प्रशासन के द्वारा आपदा विभाग के द्वारा उस तरह के बैरिकेडिंग नहीं की गई है और उसी का नतीजा है कि ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं इतने जो पानी जो भरा हुआ है उसमें ये खतरों भरा स्टंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख लिए हैं कि किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खतरों भरा स्टंट कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है कई बार ऐसी घटनाएं आती है कि इस तरीके का स्टंट करते हैं तो बच्चे जो है तेज़ धार में बह जाते हैं और जो है उनकी मौत हो जाती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद जो है किस तरीके से जिला प्रशासन की जो टीम है वो तैयारी करती है, कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन बाबर के साथ मैं धीरेन्द्र कुमार, भारत न्यूज 20। आप सभी का लोकप्रिय न्यूज चैनल भारत न्यूज 24 अब सिटी केबल 230, GTPL 247, NXT डिजिटल 130 और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आज ही अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें।